पंजाब में बीएड कॉलेजेस में होने वाली एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को ये रिस्पांसिबिलिटी दी है। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने पंजाब स्टेट बीएड एडमिशन कॉलेज पोर्टल ओपन कर दिया है। इस एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने बीएड कॉलेजेस को 31 अगस्त तक मैंडेटरी परफॉर्मा सबमिट करवाने के लिए कहा है। इस मैंडेटरी परफॉर्मे में हर बीएड कॉलेज ने अपने पेडागोजिकल सब्जेक्ट जैसे पेडागोजी ऑफ मैथ, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, पेडागोजी ऑफ साइंस की टोटल इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स उस कॉलेज में कितनी है, दूसरा के कितने उस सब्जेक्ट को टीच करने के लिए एलिजिबल टीचर एजुकेटर अवेलेबल है। ये सारी जानकारी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तक 31 अगस्त 2021 तक पहुंच जाएगी। उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि पंजाब में बीएड कॉलेजेस के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, जिसके बेस पर नेक्स्ट बीएड की एडमिशन का प्रोसीजर चलेगा, जिसमें सबसे पहले बीएड कैंडिडेट जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कहा जाएगा। सो इसकी इम्प्लीकेशन आपके लिए ये है कि आप अपने प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, जिनमें नॉर्मली 10th ऑनवर्ड आपके डिटेल मार्क्स, पर्टिकुलरली क्वालिफाइंग एग्जाम जो ग्रेजुएशन का है उसके डिटेल मार्क्स और जहां पोस्ट ग्रेजुएशन के डिटेल मार्क्स, दूसरा अगर आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं कैटेगरी का तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, तीसरा आपके पास रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट का एजुकेशन स्टडी में गैप है तो वो गैप के लिए भी एफिडेविट बनाना पड़ता है। इसकी कंप्लीट जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दी जाएगी। याद रहे, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करते तो आपके लिए सिर्फ मैनेजमेंट कोटा बचेगा, जो कि जनरली नॉर्मल सीट की फीस से ज्यादा फीस उसमें लगती है। हाँ, अगर कॉलेजेस में सीट्स खाली रहती हैं तो ये उस मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि वो मैनेजमेंट कोटा की सीट को नॉर्मल सीट की फीस पर देने के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन फिल करते हो तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के बताए हुए एडमिशन प्रोसीजर से गुजर के जाते हो तो आपके लिए नॉर्मल फीस ही रहेगी। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 17 अगस्त 2021 को पंजाब के सभी कॉलेजेस, बेशक वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सेल्फ फाइनेंस हो, एडेड कॉलेजेस हो, उनमें एडमिशन होने के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी 2021 दे दी है। तो ये पॉलिसी ही बीएड की एडमिशन पर लागू होगी। आप देख सकते हो कि इस पॉलिसी में जनरल कैटेगरी के लिए 52% सीट्स हैं, एससी कैटेगरी के लिए 20% रिजर्वेशन है, बीसी कैटेगरी के लिए 8% रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के लिए 7% रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट एससी के लिए 4% और एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट बीसी के लिए 2%, फ्रीडम फाइटर जनरल के लिए 1%, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसएबिलिटी के लिए 3%, स्पोर्ट्स जनरल के लिए है 2% और स्पोर्ट्स एससी के लिए है 1%। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीएड की एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होगा या नहीं। याद रहे, पंजाब गवर्नमेंट ने अपने पहले नोटिफिकेशन में ये कहा था कि बीएड एंट्रेंस टेस्ट होगा, लेकिन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने हालात को देखते हुए ये कहा था कि एंट्रेंस टेस्ट पॉसिबल नहीं है। अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी, कि फॉर्मल जानकारी नहीं दी कि एंट्रेंस टेस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन हालात को देखते हुए ये स्पष्ट है, 90% ये स्पष्ट है कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पंजाब की बाकी यूनिवर्सिटीज ने ऐसे एंट्रेंस टेस्ट को अभी तक पोस्टपोन रखा है। तो उनको देखते हुए हो सकता है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ये डिसीजन ले के एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। पिछले 3-4 साल की एडमिशन को देखते हुए ये स्पष्ट है, अगर एंट्रेंस टेस्ट होता भी है तो भी आपको 1% घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं होता तो भी इतनी खुशी की बात नहीं है, क्योंकि बस आपकी थोड़ी सी फीस लगनी है, इससे अलावा आपका कोई फायदा या नुकसान नहीं है। अगर एंट्रेंस टेस्ट होता है तो उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 20% है। क्वालिफाइंग मार्क्स मेरे ख्याल 20% हर कोई बिना पढ़े भी ले सकता है। बीएड के एडमिशन के बारे में कोई भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको अपडेट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।